हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉप 5 वर्ड्स ऑफ द डे का फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्नर स्टोन। मीन्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ समथिंग इज द बेस पार्ट ऑफ इट ऑन विच इट्स एग्जिस्टेंस सक्सेस और ट्रूथ डिपेंड। मतलब इसको हम आधार कहते हैं, आधारशिला जिस पे किसी चीज़ का हम निर्माण करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं बेस लेके, वो कॉर्नर स्टोन होगा। ठीक है, आज का हमारा दूसरा वर्ड है persuade। It means to tempt someone to do something they refuse to do before। या इसका मतलब ये होता है कि मान लेना, ठीक है, यकीन दिलाना, समझाना, मनवाना। ठीक है, जैसे कि इस फोटो में देख रहे हो आप, ये लड़का खुद को यकीन दिला रहा है ये ग्लास आधा एम्प्टी नहीं है जबकि ये आधा भरा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है यकीन दिलाना। ठीक है, आज का थर्ड वर्ड है हमारा नुएंस। अ नुएंस इज अ स्मॉल डिफरेंस इन साउंड, फीलिंग, अपीयरेंस और मीनिंग। इट मीन्स इसका मतलब होता है कि बारीकी, बारीकी जो भेद होता है, मतलब जो फ़र्क होता है, बहुत ही छोटा फर्क होता है, उसको हम नुएंस कहते हैं। चौथा वर्ड है डायस्फोरा। डायस्फोरा मीन्स पीपल हु कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और हुज एंसेस्टर कम फ्रॉम इट बट हु नाउ लिव इन मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आज समटाइम्स रिफर टू एज डायस्फोरा। इट मीन्स कि जैसे कि हम क्या कह सकते हैं इसको, प्रवासी, प्रवासी बसे हुए, बहुत पहले से बसे हुए जो यहाँ पे बस चुके हैं, अब इस हिस्सा का, इस संस्कृति का पार्ट हो चुके हैं। जैसे कि ब्लैक अमेरिकन थे जो, नहीं, रेड इंडियंस हैं जो, रेड इंडियंस तो ओरिजिन है अमेरिका, मतलब सही रेड, जैसे कि मैंने कहा रेड इंडियंस पहले से थे अमेरिका में और जब वहाँ से आए ब्रिटिशर वो डायस्फोरा हुए क्योंकि वो आके बस चुके हैं, उसके बाद जाके अमेरिका बना है। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब प्रवासी। ठीक है, आज का लास्ट वर्ड है हमारा क्लेप्टोक्रेसी। इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड by rampant corruption and misallocation of public funds। system characteristic by rampant corruption and misallocation of public funds। it means इसका मतलब है चोर तंत्र। ठीक है, कि करप्शन है, लोगों का पैसा कुछ चुराया जा रहा है। ठीक है, और आज का कोट ऑफ द डे है, जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ठीक है, हैव अ नाइस डे।